फेस्टिवल के इस सीजन में जहां आम का मौसम भी है, बनाएंगे बिना मैदा के, बिना आटे के, बिना बेकिंग पाउडर के बहुत ही सॉफ्ट लाजवाब सूजी से बना हुआ मैंगो केक। कोई बाजार का सामान नहीं, घर में रखे सामान से बनाइए ये केक। तो चलिए बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर ये सूजी। अगर आपके पास मोटी सूजी है या बारीक सूजी है, आप कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। और अगर आप जिस कटोरी से नाप रहे हैं उसी कटोरी से आपको बाकी के सारे इंग्रेडिएंट नापने हैं। तो या तो आप कटोरी से नाप लीजिए या मेरे पास ये मेजरिंग कप है, मैं उससे ले रही हूँ। तो यहाँ हम 2 कप सूजी ले लेंगे और उसको हम पीस लेंगे। आपके पास बारीक सूजी भी है तब भी आपको पीसना है। तो मोटी या बारीक दोनों में से कोई भी हो, उसको फाइनली आप पीस लीजिए। अब पीसने के बाद हम इसको अलग निकाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो मेरे पास आम रखे हुए हैं और उसको और चीनी को हम एक साथ पीस लेंगे। इसके लिए हमें कोई पिसी हुई चीनी की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी हमें चीनी लेनी है और आम लेना है और उसको पीस लेना है। और यहाँ पर जो हमने सूजी पीस के रखी थी उसको हम छान लेंगे और छानने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये तेल। तेल जो है वो कोई भी फ्लेवर ऑयल नहीं होना चाहिए, यानी कि आप सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई भी फ्लेवर वाला जो तेल है वो केक के अंदर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉर्मल तेल आप इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने जो आम और चीनी को पीसा था उसे हम इसके अंदर डाल देंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। तो ध्यान रखिए कि जब आप पीसेंगे तो उसके अंदर कोई भी चीनी नहीं रहनी चाहिए, आपको अच्छे से उसको पीसना है। और जितने अच्छे कलर का आम होगा और मीठा आम होगा उतना ही अच्छा फ्लेवर आपके केक के अंदर आने वाला है। क्योंकि कलर अच्छा होगा तो आपको अलग से कलर नहीं डालना पड़ेगा। इसलिए अच्छे पके हुए आम जो आजकल आ रहे हैं आप उसको लीजिए और उसको पीस लीजिए। और उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक करेंगे। ध्यान रखिए कि दूध आपको हमेशा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो यहाँ पर टोटल मुझे लगभग 2 कप से थोड़ा कम दूध लगा था इसको मिक्स करने, इसको बनाने में, इस बैटर को। लेकिन सूजी जो होती है वो सोक करती है पानी या दूध, जो भी आप लिक्विड चीज़ उसके अंदर डालते हैं। तो हम एकदम से सारा नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टेज पर लगभग 1 कप दूध डाल दिया था और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद कुछ इस तरीके से मुझे कंसिस्टेंसी मिली है। लेकिन अभी हमें इसे ढक कर रेस्ट होने रख देना है 30 मिनट के लिए। वो इसलिए ताकि सूजी को जितना भी दूध पीना हो वो इस बीच पी ले और हमें पता चल जाएगा कि कितना गाढ़ा हमारा ये बैटर हुआ है। तो आधे घंटे बाद ये देखिए बैटर जो है वो पहले से गाढ़ा हो गया है। तो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध ऐड और करेंगे और इसको मिक्स करेंगे और जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए उस कंसिस्टेंसी तक हम इसके अंदर दूध ऐड करते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। तो अभी हमने इसके अंदर कुछ भी एडिशनल अलग से कुछ नहीं डाला है, सिर्फ आम डाला है, चीनी डाली है, वो भी पिसा हुआ पाउडर नहीं यूज़ करना। आपको आम के साथ ही चीनी पीस देनी है, सिंपल सी, और सूजी सब क्या होती है। तो अभी ये सिर्फ हमने इतनी ही चीज़ें डाली हैं। तो ये सब अच्छे से मिक्स हो गया, बैटर हमारा बन गया। अब मैं ले लूँगी यहाँ पर ये टिन जहाँ पर मैं जिसके अंदर मैं केक बनाने वाली हूँ, उसको हम ग्रीस कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास बटर पेपर नहीं है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मैदा लेंगे और इसके ऊपर डस्टिंग कर देंगे। और डस्टिंग करने के बाद हम इसको टैप टैप करके जितनी भी एक्स्ट्रा मैदा होगी उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमें घी से इसको ग्रीस करना है, फिर उसके बाद हमें मैदा लगा के डस्ट करके उसको एक्स्ट्रा मैदा निकाल देनी है। तो आप चाहें तो अगर आपके पास बटर पेपर है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सबसे आखिर में हम इसके अंदर डालेंगे ये खाना सोडा। बेकिंग पाउडर मैं बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ, खाना सोडा सबके घर में होता है, जो हम छोले राजमा बनाते हैं टाइम उसके अंदर डालते हैं वही खाना सोडा है, वो हम डालेंगे और मिक्स करेंगे। और उसको डालने के बाद हम बहुत ज़्यादा देर तक इसको मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि वो फ्लैट होने लगता है। और उसके बाद आधा बैटर डाल के यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स चॉप करके रखे हुए हैं वो आप डाल देंगे, वापस से सारा बैटर डाल देंगे और ऊपर से भी इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स आप डाल देंगे। और इस टिन को हम थोड़ा थोड़ा टैप टैप करके फ्लैट कर लेंगे अपने बैटर को। और उधर मैंने गैस पे फुल फ्लेम पर कढ़ाई रख दी है क्योंकि मैं ये केक कढ़ाई के अंदर बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने फुल फ्लेम पर 10 मिनट तक इसको रख दिया था प्री हीट होने के लिए और उसके बाद मैं इसके अंदर स्टैंड रख दूंगी। तो जब तक आप मिक्सिंग कर रहे हैं ना तब तक आप अपनी कढ़ाई चढ़ा दीजिए, तब तक ये प्री हीट होती रहेगी। और उसके बाद हम इसे 40 से 45 मिनट तक लो से मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे। थोड़ी देर यानी कि 20 मिनट बाद
आप इसको देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है, हो सकता है किसी किसी को 45 मिनट से ज़्यादा भी लगे, क्योंकि ये गैस के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी फ्लेम पे डिपेंड करता है। और उसके बाद हमें टूथपिक से चेक कर लेना है, अगर टूथपिक आपकी क्लीन निकल रही है इट मीन्स कि आपका केक बन चुका है। तो इन्जॉय कीजिए इस सूजी के मैंगो केक को। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, सबके साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे चैनल को ग्रो करने में